राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद गांव का क्या नाम? भैरव भैरवपुर, जनपद गाजीपुर। गाजीपुर। अच्छा, ये गन्ने में आपने ड्रिप का ही नया सिस्टम लगवाया है, जी, इसके लिए आपको किसने प्रेरित किया है? ये हमारी गन्ना ग्राम से, क्या नाम? विनीता। विनीता, विनीता रघुवंशी। अच्छा, तो इन्होंने ये कितने परसेंट छूट पे मिला? उद्यान विभाग से मिला होगा? हाँ, उद्यान विभाग। 90% छूट पे, लगभग 90%। अच्छा, तो इससे कुछ फ़ायदे आपको पता है? फ़ायदा तो बहुत, इसके देखने पर मालूम पड़ा है बहुत फ़ायदा है। कम पानी लगेगा, समय कम लगेगा, हमारा लेबर चार्ज कम लगेगा। फ़ायदा तो बहुत अच्छी चीज़ है। फर्टिगेशन का भी आपको फ़ायदा होगा। इसमें कैसे फर्टिलाइज़र आप यूज़ करेंगे? वो है, जितने घुलने वाले हैं DAP को छोड़कर, बकिया सब इसको इसमें डाल देंगे। उसके लिए अलग से मिला है पंप वगैरह, नाजिल वगैरह लग, उसको टंकी में डालकर एक बाल्टी या बड़ा सा टैंक होगा, उसमें घोल बनाकर इसमें लगा देंगे, इसमें लगा देंगे, चला जाएगा पूरे। करीब करीब कितने हेक्टेयर में आप लगभग? लगभग 1.5 हेक्टेयर में, 1.5 हेक्टेयर में लगा हुआ है। अच्छा, तो अब इस समय गन्ने में एक तो आपने सरसों ले रखा है, सरसों तो उसमें लगा रखा है, थोड़ा सा पीढ़ी है। हाँ, पीढ़ी है। हाँ, अब नए गन्ने की बुआई करेंगे। अभी बुआई करेंगे इसमें, और करीब नया गन्ना 1.5 बीघा लगा है। 1.5 बीघा लगा है, और पीढ़ी है करीब करीब 2.5 बीघा। अच्छा, चलिए। अच्छा, ये जो आपने सरसों ली है इसमें, जी जी, आइए ज़रा देखते हैं। और बच्चा उसी तरह तू आ जाओ, रिकॉर्डिंग करके। तो ये जो सरसों लगा रखी है आपने, जी जी, उससे सरसों से कुछ फ़ायदा होगा आपको? हाँ, थोड़ा बहुत हो जाएगा, इस साल तो बारिश से चला गया और जानवर खा गए, लेकिन होता है। और अगले साल सफल हुए तो इस साल आपका फसल कम पैदावार हो। सरसों तो कुछ है, जैसे गन्ना हमारा इसमें 100% हो जाएगा। अच्छा, 100% हो जाएगा। शोध केंद्र से लाएंगे, कुछ कुछ घर पे है। अच्छा, अभी तो उसको भी शोधित करके तभी। हाँ, ठीक। एक दवाई कौन सी देते हैं उनको भी शोधन के लिए? कार्बन डाइजिंग दिया हुआ है 20 रुपये में। अच्छा, वो है हमारे पास। भूमि सोते हैं कितनों में कितनों देते हो? ठीक है, तो कार्बन डाइजिंग का घोल बना करके जी, उसमें दो दो आके टुकड़े डाल करके तभी। ट्रेंच आपके पास है? ट्रेंच ओपनर? हाँ हाँ, ट्रेंच ओपनर। हाँ, तो ट्रेंच से ही आप बनवाइएगा। और जब बुआई करेंगे? उसी से बोए हैं। अच्छा जी, तो जब आप बुआई करेंगे तो बताइएगा, तो मैं भी आऊँगा आपकी बुआई में। ठीक है, ये सरसों का आपका है ना? जी। अच्छा, अरे घास है ना, घास साफ कर लेंगे लोग तो इसमें पूरा गन्ना दिखाई देगा, एकदम 100% जम गया है, घास में दिखाई नहीं दे रहा है। घास में दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ कुछ जमा है जो बड़ा है, इसको रास्ते में खांस डाले हैं लड़के। चलिए, ग्रुप में अगर आपको कोई किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमसे पूछेंगे, और अपना मोबाइल नंबर भी आपको बता दे रहे हैं, है ना? आपका अपने लिए 70-81-20-22-40 ये हमारा मोबाइल नंबर है। तो इससे कभी भी अगर ग्रिप में कोई किसी प्रकार की समस्या हो, विशेष तौर से जो समस्या होती है वो आपके इसमें फिल्टर में होती है। 70-81-20-22-40 ठीक है, फिल्टर में ज़्यादातर समस्या होती है। ठीक है, ठीक है। तो फिल्टर के लिए हम आपको बता दिए, फर्टिगेशन टैंक में आप जो डालेंगे, DAP नहीं डालेंगे, केवल घुलने वाले लिक्विड वाले फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, NPK। और हम सिफारिश भी आपसे करेंगे कि आप दे देंगे और हमको NPK और इसी जनवा में देंगे, तो घुलनशील है, हमको मजा देगा। हाँ, ठीक है। तो करीब पूरा 1.5 हेक्टेयर, जब आप बुवाई करेंगे तो बुलाएंगे, हम लोग आएंगे सामने, बुवाई करेंगे, करवाएंगे आपकी, जिससे आपको अच्छी उपज मिले। ठीक है।